इतश्च प्रतिक्षेत्रम पुरुषवेदैत्याह। इस कारण से भी प्रतिक्षेत्रम पुरुषवेद, प्रत्येक शरीर को लेकर के पुरुष का भेद होता है। क्या कारण है? आयुगपत प्रवृत्तेश्च। दूसरा तो क्या है? आयुगपत प्रवृत्तेश्च। प्रवृत्ति ही प्रयत्न लक्षणा, प्रवृत्ति प्रयत्न रूपा है, और प्रयत्न रूपा प्रवृत्ति जड़ का स्वभाव है, चेतन का है नहीं। ये तो प्रकृति में होती है, पुरुष में तो है नहीं। अरे बात सही है, यद्यपि अंतकरणवर्तिनी, प्रवृत्ति कहाँ है? अंतकरण में होने वाली चीज है, तथापि पुरुषे उपचर्यते, फिर भी पुरुष उसका औपचारिक प्रयोग कथन कर दिया जाता है, पुरुष ही प्रवृत्त हो रहा है, व्यवहार हो जाता है। प्रवृत्ति प्रयत्न का है, अंतकरण का धर्म है वो, यद्यपि फिर भी व्यवहार क्या हो गया? पुरुष ने। यही तादात्म्य कारण सनादिकालीन जो अध्यास है वेदांत भाषा में, और उनकी भाषा में अविवेक ख्यात में विवेक नहीं हुआ है ना। विवेक हो जाएगा, प्रकृति पुरुष का पार्थक्य तक अब निश्चय हो जाए। सत्व पुरुष अन्यदा ख्याति, ये तो बोलते हैं लोग शब्दावली, सत्व पुरुष की अन्यदा ख्याति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। और सत्व पुरुष की अन्यता, अन्यता माने अन्यत्व भेद का ख्याति ज्ञान न होने से ये क्या हो रहा है? पुरुष में प्रवृत्ति का आरोप हो गया है। तथा तस्मिन एकत्र शरीर है प्रयतमान है, यदि सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, एक शरीर में प्रयत्न में एक पुरुष ने कर दिया तो सैव सर्व शरीर ईशु, और प्रयत्न सभी शरीर में लागू हो जाएगा, तो एक सर्वत्र प्रयत्त, सर्वत्र समान प्रयत्न लगेगा। एक आदमी सो जाए सारी दुनिया सो जाना चाहिए, ये सभी एक ही आत्मा है सभी शरीर में। तथा सर्वाणी एवं शरीराणी युगपत चालय, और सकल शरीर आत्म सब चलना चाहिए। एक आदमी चला सारे के सारे दक्षिण की ओर चल जाए, वो दक्षिण जा रहा है सब दक्षिण जाए, ऐसे हो जाएगा। एक आदमी उत्तर की ओर चल गया बद्रनाथ, तो सब बद्रनाथ पहुंच जाए, चल जाए, ऐसा होता नहीं। नानात्व तो नायन दोष, और नाना पुरुष नाना आत्मा, अनेक आत्मा मान्य पर दोष नहीं आता। हर शरीर का आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा अपना अलग अलग प्रयत्न करता है, अलग अलग विचार करता है, अलग अलग सोचता है समझता है, अपने अपने हिसाब से चलता है, इसे युगपत प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलता। अतः मानना पड़ेगा हर एक शरीर में अलग अलग पुरुष है, अनेक पुरुष है सिद्ध हो गया। इतश्च पुरुष भेद इत्याह, इसलिए भी पुरुष भेद आपको मानना पड़ेगा। या त्रिगुण विपर्याच्छैव, तीनों गुणों से विपरीत धर्म वाला होने से भी आपको मानना पड़ेगा। एवकार भिन्न क्रम चैव करके जो एवकार है सिद्धम के बाद, सिद्धम इति अनंतरम द्रष्टव्य, सिद्धम एव ना सिद्धम, ऐसा अर्थ एव को कहा ले जाना, सिद्धम के बाद सिद्धम एव, ऐसा अन्वय करना। सिद्धम एव का मतलब अर्थात पुरुषगत अनेकत्व सिद्धम एव, ना सिद्धम, पुरुष में अनेकत्व असिद्ध नहीं है, ये इसका त्रयोगुणा इति त्रिगुण्यम, त्रयोगुणा इति त्रिगुण्यम, तस्य विपर्यो मन अन्यथा तुम, ठीक उसका विपरीत यह पुरुष होता है। केचित कलो सत्व निकाय सत्वबोहड़ा यथा ऊर्ध स्रोतस, केचित रजोबोहड़ा यथा मनुष्य, केचित तमोबोहड़ा यथा तिर्यज्ञोनय। देखिए तीन गुणों का स्वभाव क्या है, तीन गुणों के स्वभाव के अनुसार सत्वगुण वाले कौन होते हैं? देवता लोग, योगी लोग, ज्ञानी लोग, ये सब क्या है? सत्वगुण बहुड़ा सत्व निकाया, उनके सात्विक शरीर होता है, सात्विक अंतकरण होता है, ऐसे कौन है? यथा ऊर्ध स्रोत, ऊर्ध स्रोत वाले देवता हुआ, योगी हुआ, ज्ञानी हुआ। केचित रजो बहुड़ा, और कुछ लोग रजोगुण बहुड़ वाले हैं, यथा मनुष्य, मनुष्य क्या है? ज्यादातर रजगुण प्रधान ही हुआ करते, इसलिए इनको चाहे किसी भी अवस्था पहुंच जाए प्रवृत्ति में ही आनंद आता है, ध्यान में आनंद नहीं आता, ध्यान में बैठो एकांत में बैठो मजा नहीं आता। कहने के लिए हमको ध्यान बहुत अच्छा लगता है, ध्यान में बैठता हूं लोग बोलते, लेकिन केवल बाहरी है, दिखावटी रहता है। आपके सामने जा गंगा जी के बैठ जाएंगे, चार घंटा बैठ के दिखा देंगे, और फिर जब इधर भाग रहे उधर भाग, दिन भर भागते रहते हैं,
ध्यान का नतीजा ही है। ऐसे देखा गया बहुत लोग ऐसे घंटे भर ध्यान नहीं करेंगे 23 घंटा प्रवृत्ति में तो फर्क क्या पड़ा, एक घंटे का ध्यान का क्या फायदा है। यदि शुरू में हम लोग कहते इसलिए आपको 5 मिनट भी ध्यान होने लग जाए धीरे मन में सबसे पहले ये शांति हो जाती, 5 मिनट भी ध्यान सारा उथल पुथल मन में जो चलता वह ठंडा हो जाता। और धीरे धीरे जैसे शांत होने लगता है आपको ध्यान में आनंद आने लगता है, ध्यान कितना बड़ा फल मिला है जिस शांति की खोज में हम दौड़ते रहे, मतलब तो 5 मिनट का ध्यान से मिलने लगा है थोड़ा बहुत, वो झलक जो है ना शांति का वो आपको ध्यान को बढ़ाता है। और जैसे ध्यान बढ़ते जाता है शांति बढ़ते जाती है और अपने आप प्रवृत्ति खत्म होती जाती है, निवृत्ति होती है। और अभी तो प्रवृत्ति में रुचि का मतलब ध्यान हुआ ही नहीं, इसे दौड़ते रहते लोग, क्योंकि दौड़ने का कारण ये होता है उनका अभी वास्तव में ध्यान का आनंद नहीं आया। अरे या तो पूर्ण ज्ञानी मान लो उनको कहानी कहता पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है प्राग कर्म जिससे उनकी प्रवृत्ति हो रही है, ये मान दो में एक होगा। अब गुरुजनों को तो ये मानना पड़ता है ना, अब ये थोड़ी कह सकते हो आपको ध्यान नहीं लगा कुछ नहीं लगा इस सब दौड़ते रहते इधर उधर इधर उधर चक्कर घूमते रहते हैं, ये तो गुरुओं को तो कह नहीं सकते। ये गुरुओं को हम लोग क्या कहते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी है प्राग कर्म से इनका दौड़ना चलते रहता है ये कह देते हैं हम लोग। दूसरा महात्मा साहब बोल रहे इसका ध्यान कुछ नहीं होता इसलिए भागते रहता है, वो कहे तो गुरु भी तो भागते हैं तो यही कहते अरे वो तो ब्रह्म ज्ञानी है प्रार्थ कर अच्छे से घूमते रहते हैं, व्यवस्था देनी पड़ती क्या करें, है या नहीं तो भगवान जाने। त्रयोगुणा इसलिए कहते हैं मनुष्य और के चित्तम बोला यथा परियो न यथा त्रियज्ञ ने त्रियज्ञ में पशु पक्षी ये सब क्या है तमोगुण वाले शरीर। अच्छा मनुष्य होने में सर तमोगुण प्रधान शरीर हो गया है और क्या है, प्रवृत्ति जो देख रहे हैं मनुष्यों में शास्त्रीय प्रवृत्ति कहाँ है, शास्त्रीय प्रवृत्ति तो है नहीं, अशास्त्रीय प्रवृत्ति ही हो रही है सभी में। और शास्त्रीय प्रवृत्ति हो भी नहीं सकती क्योंकि शास्त्रीय प्रवृत्ति के लिए आवश्यक भूत अधिकार इनके अंदर नहीं रह गया कि जन्म से जानवर बने हुए हैं मरने तक जानवर ही बने रह जाते हैं, क्या करें न जन्म है न चोटी है। अब शादी के लिए लाइसेंस जैसे हो गया है जिन्हें पहनने का, 2 दिन पहले पहनेंगे 1 दिन बाद निकाल देंगे हो गया छुट्टी, वो भी क्या ऐसे संस्कार वाला व्यक्ति क्या शास्त्र का शास्त्रीय प्रवृत्ति के योग्य है, वो है ही नहीं। सही सही उम्रों में संस्कार होते हुए शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए ना उसको, शास्त्र प्रवृत्ति करेगा कैसे उसको पता ही नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित गीता 16वें अध्याय 24वां श्लोक शास्त्रीय प्रमाण है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और शास्त्र पढ़ाई तो मालूम क्या होगा क्या करना क्या नहीं करना है। BSc BCom MBA MBA कर लिया और पारा तंखा इतना लंबा छोड़ा और पशु से खाओ पियो भोगो और करना है बच्चा पैदा करो, वही इतना अंदर है पशु बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं बच्चों को, अरे बच्चा पैदा कर उसको पढ़ाते हुए कहते हैं इतने अंतर है और फर्क क्या है। तो परवरिश करते हैं कपड़ा लत्ता ले आते रहते हैं स्कूल भेजते हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं शादी हो गए करा देते हैं, इतने ही अंतर और कोई अंतर नहीं रहेगा। और अपने शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार शास्त्रीय प्रवृत्ति वाले ही को प्रवृत्तिमान माना जाता है क्योंकि बाकी चारों प्रवृत्तियां क्या है आहार निद्रा भय मैथुन च समान पशुर नराणाम धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्मिण ही ना पशु समान। इसलिए धर्म ही एकमात्र और यागादि रे वो धर्म, धर्म क्या है यागादि है वो कौन करेगा जो समय से पर संस्कार प्राप्त शास्त्र ज्ञान को प्राप्त किया वही तो कर सकता है। अतः शास्त्रीय प्रवृत्ति के अधिकारी वो तो मनुष्य उस कलयुग में तो न के बराबर हो गए हैं, कहाँ हैं कितने हैं न के बराबर मानना पड़ेगा, जनसंख्या के 1% भी नहीं है। विश्व की जनसंख्या 6 अरब से ऊपर हो गया ना, विश्व की जनसंख्या 6 अरब से ऊपर हो गया, उसके 1% का मतलब 6 करोड़ भी नहीं है इस विश्व में अभी जो शास्त्रीय कर्मों को करने वाले हों। भले 6 करोड़ ब्राह्मण समाज होगा
इन 6 करोड़ ब्राह्मणों में भी कितने हैं जो नित्य संध्या पूजा पाठ नित्य होम वगैरह कर रहे हो? विश्व की जनसंख्या का 1% आजकल ब्राह्मण है, सब 6 करोड़ ब्राह्मण मिल जाएंगे, ब्राह्मण परिवार। लेकिन उनमें से 6 लाख परिवार भी नहीं मिलेगा ढंग से जो कि शास्त्रीय प्रवृत्ति में लगे हों, और क्षत्रिय वैश्य को तो भूल ही जाओ, एक भी नहीं है शास्त्रीय प्रवृत्ति वाले, वो सब बुढ़ापे में आ जाते हैं सत्संग के नाम आश्रम में, कहते चलो भाई वृद्धाश्रम में चलो और सत्संग करो, मरते हुए राम राम कर लो, और क्या करें। हाँ जरूर मिलता है, क्यों, कौन मना कर रहा है, मना कौन कर रहा है, हम भी मना नहीं करते, ध्यान और जप से तो मिल जाते, पढ़ने कोई जरूरत नहीं, ध्यान और जप हो तब तो ध्यान और जप हो कहा रहा है, किसको ध्यान लग रहा है, कौन जप कर पा रहा है, और उसे पूछे जो मंत्र जप कर, उस मंत्र का अर्थ मालूम है, मंत्र का अर्थ ही मालूम नहीं उस बुद्धों को, जप का फल क्या मिलेगा, ये कि पुण्य हो रहा है, अंतरण शुद्धि हो रही है, वो करते करते अनेक जन्म लगेगा ध्यान जप के नाम पे, फिर अंतरण शुद्धि होने के कारण से कभी ना कभी शास्त्र पढ़ लेगा, प्रवृत्त हो ही जाएगा, बिना शास्त्र के संस्कार के बिना कैसे अनुभव हो जाएगा, कभी न कभी तो शास्त्र सुनना ही पड़ेगा, या पहले से सुना हुआ है नहीं, शास्त्र अंतरण शुद्ध नहीं था, ऐसा अनुभव नहीं हुई, तो ध्यान जब के शुद्ध होने पर वो जो ज्ञान पहले पढ़ाओ दिदान बुद्धि योगंतम भगवान नहीं का वापस आ जाएगा, वो स्मृति में आ जाएगी, पढ़ा है पहले वो, और किसी वासनों के कारण से पढ़ा हुआ चीज को अनुभव नहीं कर सका, प्रवृत्ति में लगा रहा, मंडलेश्वर बना रहा, लगा रहा उत्सवों में, मर गया तो अगले जन्म में उसी पुण्य की वजह से वो ध्यान जप करने लगा, अंतर्गुण शुद्धि भी हुई, पूर्व प्राप्त ज्ञान वहां पर स्मृति में आ गई, अनुभूति हो जाएगी, और वो कहेगा मैंने ध्यान जप से अनुभूति कर लिया, मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे पूर्वजन्म तो पढ़ लिखा रहता था, ये तो हो नहीं सकता कि अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान न हो और सीधे ध्यान जब से अहम ब्रह्मास्मि पैदा हो जाए कर देंगे, यहाँ अगर ब्रह्मा जी को नहीं हुआ तुमको क्या होगा, ब्रह्मा जी को भी हुआ ध्यान जब से तो कुछ, तब से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, भागवत में क्या है तीसरे स्कंद में ही, प्रथम स्कंद में भी है, ब्रह्मा जी बैठे पहले तो जब पैदा हुए तो घबरा गए, डर गए, बहुत डर गए, ये कहाँ अंधकार अंधकार था, कुछ नहीं दिख रहा, चल जल ही जल था, कहाँ कूदूँ, तैरना भी नहीं आता ब्रह्मा को, कूदे तो मर जाएगा डूब गिर, कौन सिखाए तैरना, परेशान था वो, आँख बंद कर ले डर के मारे, तब वो थप 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 जो जल कर रहा था उससे उसके अंदर संस्कार जगी, तप करो तपसा जिज्ञासस्व तैतृ परिषद, वो याद आई उसको, वो याद क्यों आई, पिछले कल्प में ब्रह्मा पद पाने के लिए उसने जो तपस्या करा था, पढ़ा लिखा था, वह सब संस्कार जग गया, तो तप किया ध्यान किया तो भगवान अंदर प्रकट हुए हृदय में, जिसलो की भागवत दिए कि नहीं दिए, लेकिन ऐसे कैसे हो गए, अब आज तुमको हो जाए केवल ध्यान जब से, एक तो ध्यान होता ही नहीं है, यदि होता भी है तो पूर्व जन्म गया तो ज्ञान का संस्कार होगा, या तो इस जन्म संस्कार ना भी हो ध्यान और जब के कारण से तो अंतरण इतना शुद्ध हो गया, अंदर हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे और उपदेश दे देंगे हम ब्रह्मास्मि, इसलिए ना ये सब केवल उपासक कहा जाता है, ध्यान केवल ध्यान पराहा, केवल उपज जो है जप पराहा, ये सब क्या है उपासक कोटि में लिया गया, ये उपासक क्या करेंगे, मर करके ब्रह्मलोक में जाएंगे और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को उपदेश पा करके ब्रह्मज्ञानी बनकर ही मुक्त, शास्त्रीय व्यवस्था ये है, या तो पूर्व जन्म में पढ़ा है वो स्मृति आगे होगी और स्मृति वजह से वो मुक्त हो जाए, यदि पढ़ा नहीं है केवल ध्यान जब करते अंतकरण शुद्ध हुआ है उसको ज्ञान यहां नहीं होगा, मर के ब्रह्मलोक चला जाएगा और ब्रह्मलोक में उसको ब्रह्मा जी के उपदेश से मुक्ति होगी, ये शास्त्र से कहा, यहीं पर उसको ज्ञान हो जाए केवल ध्यान जब से और पूर्व जन्म पढ़ा लिखा ना हो और अभी पढ़ा लिखा नहीं है केवल ध्यान जब से ही अनेक जन्मों से चला रहा है तो उसको कभी यहाँ ज्ञान नहीं हो सकता, शास्त्रीय सिद्धांत है व्यवस्था है, स्वयं ईदृश ही
त्रैगुण्य विपर्य अन्यता भाव, जो इस प्रकार का त्रैगुण्य का विपर्य मैंने अन्यता भाव है तेषु सत्व निकायेषु न भवे, उन सत्व निकायों में देखने को नहीं मिलना चाहिए। यदि एका पुरुष से यदि एक ही पुरुष होता तो पुरुष वेदे तो अयम अदोष, और पुरुष वेद मान लेते हैं तो यहाँ कोई दोष नहीं रह जाता। जैसा जैसा जीवात्मा अनेक है, पुरुष अनेक है, आत्मा अनेक है, हर आत्मा का अपना अलग अलग कर्म है, कर्मानुसार कोई सात्विक शरीर को पा रहा है, कोई राजसिक शरीर को पा रहा है, कोई तामसिक शरीर को प्राप्त कर लेता है। एवं पुरुष बहुत्तम प्रसाद्य विवेक ज्ञान उपयोगितया तस धर्माना, पुरुष के बहुत को सिद्ध करने के पश्चात आप विवेक ज्ञान का उपयोगी उस पुरुष के धर्मों का वर्णन करेंगे, आत्मा में क्या क्या गुण धर्म है। जैसे पहले आपने जाना प्रकृति में क्या क्या गुण धर्म है, व्यक्ति में क्या क्या धर्म गुण धर्म है, व्यक्ति के धर्मों को जाना, अव्यक्त के धर्मों को जाना, और अब पुरुष के भी धर्मों को जानो, तभी व्यक्त अव्यक्त ज्ञा का विज्ञानात मोक्ष का था ना पहला कार्यक्रम है, व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात, ये कहा था पहले कार्यक्रम, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा, ज्ञा मने पुरुष आत्मा, इसका सम्यक विज्ञान से ही मोक्ष होता है। समय ज्ञान क्या पहचान, व्यक्त का स्वरूप क्या है, अव्यक्त का स्वरूप क्या है, और ज्ञा का स्वरूप क्या है, इनमें से कौन से सत्य हैं, कौन सा आपका अपना स्वरूप है, और कौन आरोपित हुआ है, कैसे हुआ है, उन सबको विवेक करके अलग अलग करके समझ लोगे तो मुक्ति हो जाती है। तस्माच्च पर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टृत्वं कर्तृभावश्च। तस्माच्च विपर्यासात्, अस्मात् न कह करके तस्मात् कह दिया, तस्मात् इसलिए कह रहे हैं दूर का संबंध जोड़ने के लिए, तत्सब क्या होता है हमेशा दूर का चीज बोध कराने के लिए होता है, परोक्ष तत्व परोक्ष विजानिया इदमस्तु सन्निकृष्ट एतदस्तु समीपतरवर्तिनी अजसस्तु दूरे पर तत्व परोक्ष विजानिया। नियम है व्याकरण में श्लोक आता है ना, इदम शब्द नजदीक के लिए होता है, एतचल येष आत्मा अत्यंत समीप समीपतरवर्तिनी, असौ ओ सूर्य यदि कह दूर में उसमें जो आत्मा है तत् जो दिखता नहीं दूराधि दूर है परोक्ष उसके लिए तत् नियम। और तत्व का पंचम प्रकार तस्मात्, तस्मात् माने वो जो ग्यारहवीं कारिका में कही गई उसको लेना, अठारहवीं कारिका का नहीं लेना, इसका विपरीत करके अठारहवीं कार्य में जो कही गई है उसका विपरीत ऐसा अर्थ नहीं लेना, किंतु ग्यारहवीं कारिका में जो बताया गया था त्रिगुणों का स्वरूप उसका विपरीत ऐसा अर्थ लेना। सिद्धम साक्षित्वम से पुरुषस्य, पुरुष के अंदर क्या सिद्ध होता है, साक्षित्व सिद्ध हो गया, पुरुष के अंदर साक्षित्व सिद्ध, पुरुष हमेशा साक्षी होता है, आत्मा का स्वरूप है साक्षी भाव रहना। और दूसरा कैवल्यम, साक्षित्व का दूसरा अर्थ है दर्शित विषयत्वम, दर्शित विषयत्वम, कैवल्य अकेला रहता है, किससे वास्तव में इसका कोई संबंध हुआ ही नहीं, केवल है, केवल से भाव कैवल्यम, वह केवल रहता है, अकेला होता है, वह कभी दूसरे से मिश्रित नहीं होता, वो जो मिश्रण दिख रहा है प्रकृति और पुरुष का ये अनादिकालीन भ्रांति अविवेक ख्याति के कारण से हो रहा है, वाकई में पुरुष और प्रकृति का भी संबंध हो ही नहीं सकता, अत्यंत विरुद्ध दो स्वभाव वालों का संबंध कभी होता नहीं, अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले दो वस्तुओं का कभी संबंध नहीं होता। विरुद्ध स्वभाव वालों को हम लोग देखते दुनिया में शादी भी कर लेते हैं तो अलग हो जाना पड़ जाता, विरुद्ध स्वभाव वाले वो रह नहीं सकते साथ, वो किंचित स्वभाव में तालमेल बैठता है 19-20 का पर वो चलता है गाड़ी पे, वो लड़ाई झगड़ा होते हैं तो भी दोनों जिंदगी भर वो काट लेते कि कुछ स्वभाव मिलते हैं, कुछ स्वभाव मिलते हैं, भाई भाई भी देख लो कुछ लोग स्वभाव मिलता है तो साथ में रह जाते हैं, और जिनके स्वभाव नहीं मिलता है महाभारत जैसे हो जाता है, पांच पांडव जंगल में और 101 भाई यहाँ पर,
101 जैसे थे ना, सब शैतान थे, सब बदमाश, वो एक जैसे थे, सब सदृश थे धर्म, तो वो साथ में थे। और वो 5 साल एक जैसे थे, वो साथ में रह गए, और ये परस्पर विरुद्ध थे, दोनों अलग रह गए। विरुद्ध स्वभाव वालों का कभी एक साथ जीना संभव नहीं, अत्यंत विरुद्ध स्वभाव। इसे हम साधुओं के साथ और आश्रमों में कोई रह नहीं पाते, क्यों नहीं रह नहीं पाता, इसको रहस्य यही है। जैसे हमारे पास ही लोग आते, हम उनके पास रहेंगे 10 साल रहेंगे 20 साल रहेंगे, सोच के आते रह नहीं पाते, क्यों? स्वभाव बनती है। हम लोग जैसे साधना, स्वाध्याय और साधना कोई महत्व देते हैं, अन्य चीजों को महत्व नहीं देते। हम कभी नहीं देखते हैं कि आप कितना बजे उठ रहे हैं, कितने बार पेशाब करते, कितने बार शौच जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कभी हम देखते हैं। खा रहे नहीं खा रहे, मरेगा मरेगा, अमरेगा जा रहा है, जो पूछते हैं हम कभी नहीं पूछते क्या खाते हैं। हम जाते हैं, हमको टाइम पे खिला दो, हम क्या खिलाते भी नहीं देखता, खिला दिया कुछ, खिला दिया खा लिया, खा लिया। ये नहीं कहता मेरे को ये खिलाओ, ऐसे बनाओ, वो खिलाओ, कभी नहीं पूछो, ये लोग बनाते हैं, कभी नहीं कहता ये बना के खिलाना, और तुम क्या खाते हो भी नहीं देखता। तुम क्या पराठे बना के खा रहे हो, क्या केवल रोज आलू खाओ, बुखार खाओ, कुछ खाओ, हम नहीं जानते, क्या मिर्च खाओ, जो खाओ, हम कभी नहीं मना करते, हम कहीं पूछते भी नहीं, अपने स्वभाव। अब इस स्वभाव से तारते बैठता नहीं, बहुत लोग रहते हैं ये कैसा महात्मा, हमें प्यार से बात ही नहीं करते, पूछते भी नहीं, प्यार से तो बात बोलते नहीं है। अरे प्यार के भूखे होके तुम यहाँ क्यों आए भैया, तो प्यार के भूख तो गाओ, घर में जाओ, शादी कर ले, पत्नी प्यार दे देगी, बच्चे प्यार देंगे, माँ बाप प्यार देंगे, भाई बहन प्यार देंगे, वहीं रहो, यहाँ क्यों आए, बड़ा विचित्र है भैया। नहीं, हमारे स्वभाव से तालमेल इतना आसानी से किसी का बैठ नहीं पाता, कि विचित्र टाइप के साधक न पूछते हैं न कुछ नहीं। एक बार एक महात्मा था, बड़ा सेवा करता था, और बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, ठीक है बीमार हो गया, मैं अपने भोजन बनाता था, वो दो ही थे, वो तो बीमार हो गया, मैं अपने भोजन बनाया, अपने खा लिया, और उसको पूछा, वो कहते मैं नहीं खाऊंगा, ठीक भाई ब्रेड खाएगा, दूध पिए क्या खाएगा, मैं ब्रेड दूध लूँगा, दूध और ब्रेड ला के दे दिया, छुट्टी हो गई। दवाई कहाँ से ले रहा है पूछा नहीं, लिया कि नहीं लिया पूछा नहीं, बीमार है तो अपने आप जाएगा, तो बच्चा है क्या, गया पकड़ के ले जाना पड़ेगा अस्पताल, इतना सीरियस हो तो बात अलग है, उठा के ले ही जाऊँगा। अब वो बहुत 15-20 दिन बाद बोलने लगा, अरे कैसे विचित्र महात्मा ये, हम बीमार थे, कभी न पूछा पानी, कभी इसने कुछ नहीं पूछा, है आया एक बार पूछ लिया क्या खाओगे, फिर ब्रेड दूध बोले तो रोज ब्रेड दूध, शाम सुबह शाम ब्रेड दूध दे देता था, बस कुछ नहीं देखना पूछना, कहाँ से दवाई लिया, नहीं लिया, कोई दवाई चाहिए क्या, ला के दूँ क्या, कभी पूछा भी नहीं, अपने पर स्वभाव है क्या करें। और फिर वो उसने जैसे स्वस्थ हो गया वो छोड़ के भाग गया, कहते इनके साथ रहना नहीं है, ये तो मर जाएंगे तो भी नहीं पूछेगा, ऐसे बोल रहा था, मरेगा ना तो भी आके पूछने वाला नहीं है। मरने के बाद कैसा भाग है, मरने के बाद उनके क्या है, देखो मतलब आ गए क्या नहीं आ गए, उसे को मतलब नहीं, मरते वक्त पूछना चाहिए ना तुमसे, तो बात नहीं है, ये तो पूछेगा भी नहीं, मरते वक्त भी आएगा नहीं, देखेगा नहीं, मर रहा है, बड़ा मुश्किल होता है। साधुओं को समझना कठिन है, साधु अपने मस्ती में रहता है, उसको क्या लेन देन है शरीर से, अपने खुद के शरीर से लेन देन है तो दूसरे के शरीर से क्या लेन देन करेगा, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं कि सबके अंदर अपेक्षाएं रहती है। नहीं कर रहा, कल बोल रहा था ना, अपेक्षाएं, स्वामी जी मेरे को ऐसे बात करना चाहिए, मेरे से ऐसे बोलना चाहिए, मेरे ऐसे व्यवहार करना चाहिए, अपेक्षाएं रहती है, वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो कहते बेकार महात्मा, छोड़ो भाई चलो। हर जगह समस्या, अधिकारी लोग हों चाहे महंत हो चाहे मंडलेश्वर हो, जो भी, सब में आपस में अपेक्षाएं रहती है, तभी है, जब तक वो इंटरेक्शन चल रहा है ठीक है, अब एक दिन इंटरेक्शन में फ्रिक्शन हो जाता है तो कट हो जाते हैं, ये नहीं कब तक चलेगा, घिसते घिसते अग्र में मशीन भी खराब हो जाती है, नहीं चलता, इसलिए बहुत कठिन काम, महात्मा को समझना ही कठिन है, महात्मा का संग जीना कठिन हो जाता है, इसलिए समझ नहीं पाओ तो जी नहीं पाओगे, इसलिए आश्रम में महात्मा कभी ज्यादा नहीं रहता।
हॉपर्स, हमारे गुरु जी बोलते थे क्या है हॉपर्स, हॉपर्स हॉपर्स माने मेढक जैसे कूद कूद के, आज जैसे आश्रम कल कूद के दूसरे आश्रम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, कहीं नहीं पटरी खाई, चल रहा चल रहा है, भाग जाना ठीक है। लेकिन भागने से तो अंत नहीं है ना इसका भी, ये विवेक क्यों नहीं जग रहा? अपने अहंकार और अपनी अपेक्षाओं को त्यागे बिना साधु क्या है? भागने का कारण क्या है? अहंकार और अपेक्षा, यही तो है ना। अपने अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही है, अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है तो अभी भागता है, फिर साधु क्या रहा हो? जो अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर सका, अपेक्षाओं को त्याग नहीं कर सका, त्यागा क्या उसने? घर को त्यागने से कोई त्याग हुआ? यही तो साधना है सबसे बड़ा, इच्छाओं को त्यागना। और क्या साधना करना है? ना पकड़े बैठ गया, ध्यान कर रहे बैठ गए, गंगा किनारे, कोई साधना है? और अंदर से इच्छा है दुनिया भर की बैठी हुई है, इच्छा तो बड़े होते इसमें गलत है। और गलत है इच्छा बड़े होने भी गलत। हाँ, सारी इच्छाएं का एक ही मोक्ष की इच्छा, जो सारी इच्छाएं बेकार है। हाँ, ज्ञान की इच्छा करो, मोक्ष की इच्छा ही है वो, ज्ञान की इच्छा वो खराब थोड़ी है। इन ज्ञान की इच्छा हो जिसको, भागेगा थोड़ी, फिर कंप्लेंट करेगा किस बात की? कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते, किसी भी खिलाफ कंप्लेंट नहीं रहा है, भागेगा भी नहीं वो, नहीं भागेगा, क्योंकि ज्ञान एकांत में मिलेगा क्या? मतलब इसका मतलब क्या, विक्षेप क्यों हुई? अहंकार के टकराव, अपेक्षाओं की पूर्ति ना हो ना, दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति भी हो रही है ना, दूसरों दूसरे लोग अपेक्षा रख रहे हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो रही, और उसको बार बार चोट दे रहे हैं, उठाया उसको थोड़ा चल दिया नहीं, इसमें नहीं, इसमें सहनशीलता के अभाव हो गया ना फिर, कश्चित धीर रहा। बाबा ने बोला ना, जहां अभिषेक हो, जहां ऐसी बात हो, उठा के पूरा चल रहा है रोज रोज उसमें, वो है वो उस साधक की अलग बात है। जब तक ज्ञानार्जन नहीं हुआ, ज्ञानार्जन करने के लिए सभी विक्षेपों को भी सहन करना पड़ता है। ज्ञानार्जन करने के बाद की अवस्था की बात वो कह रहे हैं। आप उस ज्ञान की अनुभूति करने के लिए एकांत में बैठना है, जहां विक्षेप है वहां पर उसका चिंतन नहीं हो सकती ना, विक्षेप में निधिध्यासन नहीं हो सकता। वो जब श्रवण के लिए बात नहीं है, मनन और निध्यासन के लिए बात आ जाता है। श्रवण काल में सकल विक्षेपों को सहन करना पड़ता है। लेकिन सब विक्षेपों को सहन करें नहीं, नहीं हो जाएगा, तभी होता है, विक्षेप में ही श्रवण है। सप्त ज्ञान की भूमिकाओं में क्या आता है? पहला शुभेच्छा होगी, शुभेच्छा का विक्षेप होगा, आपकी इच्छा हुई मैं ज्ञान प्राप्त करूं, उस समय में ही विक्षेप तो आएंगे, स्वयं भगवान अभी ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालेंगे, देवताओं विघ्न डालेंगे, ये प्रमाण है शास्त्रों, और विघ्न ही तो विक्षेप है और है क्या? और उससे हम भाग गए तो ज्ञान ही नहीं मिलेगा, तो श्रवण ही नहीं हुआ तो मनन नीतिशन क्या करोगे बाहर जाके? इसीलिए गधे ज्ञान के श्रवण के लिए कश्चित धीरक आ गया है, मनन निध्यासन के लिए नहीं। कि समय श्रवण हो जाएगा तो मनन निध्यासन तो हो ही जाए, कहीं भी बैठ जाओ जा करके हो जाएगा, कोई विक्षेप नहीं, जाओ जंगल सीधे। लेकिन समय श्रवण काल में ही आप चार का साथ में रहना पड़ जाता है, गुरुकुल में, गुरु जी के आचार्य के आश्रय में, किसी आश्रम में रहना पड़ जाता है, तो इस समय सारे विक्षेप आएंगे। और कब आएंगे? मरण और निध्यासन में विक्षेप तो आना नहीं है, सारा विक्षेप, सारी परीक्षाएं होती है श्रवण। इसलिए बहुवी श्रवंतो भी न विदुः, सुनते हुए भी लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? कारण ये कि वो सुन ही नहीं पा रहे, विक्षेप से भागते रहते भागते रहते भागते रहते हैं, सुनेंगे कैसे? जितने आप गुरुओं को बदलेंगे, आचार्यों को बदलेंगे, उतनी शैली बदलती है, उतनी संस्कार बदलते हैं। हर आचार्य का अपना एक संस्कार है, बोलने की एक शैली होता है, उसका असर होता है आपके ऊपर। आप जितने बदलोगे उतनी संस्कार खिचड़ी पकेगा। शास्त्र ज्ञान कोशिश होना चाहिए एक ही आचार्य से प्राप्त कर सके, और जिस विषय को आप लेंगे उस विषय के संबंध में कम से कम एक आचार्य रखो, विषयांतर के लिए दूसरे आचार्य को भले पकड़ो। व्याकरण पढ़ना चाहिए किसी व्याकरण पढ़ लिया, अरे सांख्य दूसरे से पढ़ो, वेदांत तीसरे से पढ़ो,
उस विषय के संस्कार उस एक से प्राप्त करने की कोशिश करो। श्रवण समय हो जाए उसके बाद विक्षेप को सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद सच्चाई तो यह है उसे विक्षेप उस पर असर ही नहीं करता। इसने श्रवण कर लिया सम्यक ना, यह पंचदशी में आ रहा है ना बात, जिसके दिमाग में जगत मिथ्या तो आरूढ़ हो गया श्रवण से, मिथ्या हो ही गया है तो विक्षेप तो मिथ्या हो जाएगा उसके लिए। कौन सा विक्षेप उसको क्या नचा देगा? विक्षेप देने वाले भाग जाएंगे आपसे, विक्षेप देने वाले भाग जाएंगे, आप वहीं कुटस्थ बने रह जाएंगे। कारण अपने अंदर कमजोरी है, इसे विक्षेप देने वाले असुर बलवान हो जाते। दैवी शक्ति को आप बढ़ाइए, अपनी कुटस्थता में रहिए, जगन मिथ्यात्व चिंतन करते रहिए, आपकी अपनी जो ज्ञान का प्रभाव ऐसा होगा अज्ञानी टिक नहीं सकता। दृष्टांत उपनिषद में क्या दिया, 100 मिट्टी का ढेले एक पत्थर पर चोट मार दोगे क्या पत्थर टूटेगा? वो पूरे 100 मिट्टी का ढेले चूर्ण हो जाएंगे, ये पत्थर वैसे का वैसे रह जाता है। 1000 लोग आ जाए विक्षेप देने के लिए, वो चकनाचूर खुद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं बता सकते। और यदि आपके संस्कार आपके प्रारब्ध में आपका ध्यान भजन अन्यत्र होना ही है, विक्षिप्तकरण से नहीं जाएंगे, स्वयं भगवान आपकी व्यवस्था ऐसे कर देंगे। आदमी विक्षेप के कारण से भागेगा नहीं, व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यवस्था प्राप्त होगी आपको लगेगा यहां से ज्यादा वहां मेरा ध्यान अच्छा होगा, चिंतन होगा। तो इस व्यवस्था प्राप्त हुआ, इससे उत्कृष्ट स्थल की प्राप्ति हुई, वहां चलेगा। ये विक्षेप के कारण से नहीं जा रहा है वो, उसके साधना स्थल प्राप्त करने के साथ उत्कृष्ट अन्यत्र प्राप्त है तो वहां चला जाता है। विक्षेप कारण से भागेगा जो, वो कभी साधक हो नहीं सकता, कठिन है। गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते, गीता जी में कहते इसलिए भयंकर से भयंकर दुख आज तो विचलित नहीं होता, जो विचलित होता है इसका अभी ज्ञान परिपक्व नहीं हो रहा, श्रवण परिपक्व नहीं होता, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय अभी परिपक्व नहीं होता। ये ज्ञापन